ओके, तो फाइनली आप जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ चुका है। पोको एक्सिस के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है Xiaomi हाइपर ओएस का अपडेट। साथ में एंड्रॉइड 14 के साथ आपको अपडेट देखने मिल जाता है। और बड़ा अपडेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस अपडेट का जो साइज है 5GB के आसपास आपको देखने मिल जाता है, जिसमें फीचर आपको काफी सारे देखने मिल जाते हैं, काफी सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। और इस अपडेट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद इसको मैं काफी दिनों से यूज भी कर रहा हूँ, हीटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, अंततः तो स्कोर आफ्टर अपडेट के बाद कितना निकल के आ रहा है, चार्जिंग में टाइम कितना लगा रहा है, ओवरली अपडेट है कैसा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फीचर देखने मिलता है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो करें फिर शुरू, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही कर लेते हैं इसके चेंजेस से। जी हां, जैसे ही अपने फोन को अपडेट कर लोगे, अपडेट करने के बाद फोन को रिबूट करोगे, तो बूट एनिमेशन आपको Xiaomi हाइपर ओएस का देखने को मिलेगा। और अपडेट को करने के बाद मैंने इसका अंततः स्कोर चेक किया। अपडेट से पहले मेरा 571,000 के आसपास अंततः स्कोर निकल गया था, अपडेट से पहले मैंने चेक किया था, और अपडेट को करने के बाद 615,000 के आसपास मेरा अंततः स्कोर निकल गया था। तो अपडेट को करने के बाद इसका अंततः स्कोर डेफिनेटली काफी ज्यादा निकल गया है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा वो सब बताता हूं। लेकिन सबसे पहले यहां पे जैसे ही सेटिंग में जाओगे, तो अबाउट फोन में जाओगे, तो यहां पे भी आपको Xiaomi हाइपर ओएस का देखने को मिलेगा लोगो। MIUI का लोगो अब हट चुका है, अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जो मेन जो चेंज किया गया है ना, उसके लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे आप जाओगे और प्रेस एंड होल्ड करोगे, तो यहां पे आईफोन जैसे इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जी हां, पोको के फोनों के अंदर भी, जी हां, रेडमी के फोन में तो दे ही रहे थे हाइपर ओएस के अंदर, लेकिन पोको के फोन में भी दे रहे हैं। अब हमें देखते हैं, काफी सारे वॉलपेपर देखने को मिलेंगे और एक कस्टमाइज का बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, सबसे पहले मिलेगा वॉलपेपर का ऑप्शन। पहली बात, यहां पे आपको इसके अंदर खुद का वॉलपेपर ऐड करना, वो आप कर सकते हो। फिल्टर काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, मेट इफेक्ट आपको लगाना है, जो आपको अलग अलग यहां पे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर भी आपको एक बवाल चीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखते हैं टेक्स्ट को मैं कलर को यहां पे चेंज कर सकता हूं, और यहां पे वॉच पे मैं क्लिक करता हूं, वॉच के स्टाइल को चेंज कर सकता हूं। मतलब हर चीज पे आप क्लिक करोगे तो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये भी चीज आपको देखने को मिल जाती है। और फिल्टर के साथ आप देखोगे एक डेप्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे इसको आप एनेबल करोगे तो जो ऊपर टेक्स्ट है ना, वो आपके पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पीछे आपको टेक्स्ट रखना है, तो डेप्थ वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये फीचर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहां पे एक आपको दिखाता हूं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जूमिंग इफेक्ट भी आ चुका है इस अपडेट को करने के बाद। जी हां, इसके लिए जाना होगा आपको सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जैसे ही जाओगे, तो यहां पे मिलेगा आपको वॉलपेपर का ऑप्शन। वॉलपेपर के ऑप्शन के अंदर अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शिफ्ट कर दिया गया। पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में था ना, लेकिन अब इसके ऊपर जगह चेंज हो चुकी है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आप जाओगे, तो यहां पे एक नया AOD देखने को मिलेगा। इसको आप एनेबल करोगे तो यहां पे एक जूमिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, मैं लॉक स्क्रीन पे जाता हूं, अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखते हैं लॉक स्क्रीन के साथ एक जूमिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपडेट को करने के बाद स्मार्टफोन में कोई हीटिंग वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए लगातार इस फोन में हमने 1 घंटे तक गेमिंग की। 1 घंटे के बाद गेमिंग करने के बाद हमने टेम्परेचर चेक किया, तो 40 डिग्री के आसपास मैक्स टेम्परेचर गया। तो देखा जाए तो फोन नॉर्मली हीट हो रहा है, ऐसा नहीं हीट नहीं हो रहा, हीट हो रहा है लेकिन नॉर्मली हीट हो रहा, ओवर हीट नहीं हो रहा। और मैंने CPU थ्रोटल रिजल्ट भी चेक किया 1 घंटे तक लगातार, तो 75% मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला, ग्राफ ज्यादातर से ग्रीन में था, तो ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर अपडेट को करने के बाद, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज अभी तक नहीं बताया, जी हां, अभी तक आपको वीडियो में वैल्यू लग रही है तो लाइक कर दो, ताकि इस तरीके के अपडेट के हम रिव्यू लेके आते रहें। अब नेक्स्ट चेंजेस एंड फीचर की बात करूं, तो वो आपको देखने मिलता है साइड बार 3.0 वाला फीचर। जी हां, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और यहां पे मिलेगा एडिशनली सेटिंग, और यहां पे मिलेगा आपको फ्लोटिंग विंडो, और साइड बार के अंदर जैसे ही जाओगे, और ऑलवेज शो पे मैंने इसको ऑन कर दिया, पहले भी था लेकिन अभी दिखाता हूं इसके अंदर क्या चेंज किया गया। अभी साइड बार पे मैं यहां पे स्लाइड करता हूं, तो यहां पे देखते काफी सारी एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन इस एप्लीकेशन में प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो यहां पे मिलेगा फुल, और यहां पे स्प्लिट का फीचर। जी हां, स्प्लिट पे मैं क्लिक करूंगा तो स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, और यहां पे देखते हैं इस लाइन देखने को मिलेगी बीच के अंदर, तो यहां पे एप्लीकेशन को मैं स्वैप भी कर सकता हूं, नीचे की एप्लीकेशन ऊपर, ऊपर की एप्लीकेशन नीचे भी कर सकता हूं। और यहां पे एक और चीज आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं वापस से क्लिक करता हूं, और फ्लोटिंग विंडो में यहां पे देखते मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, और 3 डॉट ऊपर पर क्लिक करूंगा तो यहां पे भी 4 ऑप्शन नए ऐड कर दिए गए। यहीं से आप फुल व्यू में या स्प्लिट स्क्रीन में जैसे भी आपको ओपन करना है वो आप कर सकते हो, तो यहां पे काफी सारे ऑप्शन यहां पे ऐड कर दिए गए। और एक और आपको चीज दिखाता हूं, वापस मैं स्प्लिट स्क्रीन में यहां पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, और नीचे वाले एप्लीकेशन पे 3 डॉट लिखा हुआ है, यहां से स्वाइप करता हूं, और स्वाइप करके इसको ऊपर की ओर ड्रैग करता हूं ना, तो यहां पे इसको डायरेक्टली मैं फ्लोटिंग विंडो में भी ओपन कर सकता हूं, है ना, काफी ज्यादा अमेजिंग। तो ये चीज भी यहां पे देखने को मिल जाती है। और यहां पे फाइनली पोको एक्सिस के अंदर फाइनली एप्लीकेशन को पिन करने का फीचर आ चुका है। ये अनएक्सपेक्टेड फीचर है, लेकिन फाइनली ये फीचर दे दिया गया है। जी हां, इसके लिए जाना होगा आपको मोबाइल के
सेटिंग के अंदर और यहाँ पे मिलेगा सर्च बटन और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा पिन। पिन जैसे ही आप सर्च करोगे तो अलाउ पिनिंग एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आपको अनेबल कर देना। अब ये फीचर वर्क कैसे करता है इसके लिए जाना होगा मुझे रिसेंट बार के अंदर और किसी भी एप्लीकेशन में प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं पिन का एक यहाँ पे लोगो शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एप्लीकेशन पिन हो जाएगी और मैं आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाऊंगा। बैक करना चाहता हूँ कुछ नहीं होगा भाई साहब इसी एप्लीकेशन में, मतलब बैक होगा किसी दूसरी एप्लीकेशन में स्विफ्ट भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चला सकता। ये एप्लीकेशन पिन हो चुकी है, बस इसी को मुझे चलाना है। अब वापस इसको अनपिन करना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। नीचे से आपको स्वाइप करना पड़ेगा, 2-3 सेकंड तक आपको होल्ड रखना है फिर ये अनपिन हो जाएगा। काफी लोगों को पता ही नहीं होगा अनपिन कैसे होगा तो, लेकिन इसको इस प्रकार से आप अनपिन कर सकते हो। तो फाइनली ये फीचर दे दिया गया, इसके लिए लाइक बनता ही है। अब नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने मिलेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे मिलेगा एडिशनली सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा एजिबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो बीम फॉर नोटिफिकेशन वाला फीचर भी चुका है भाई साहब। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे कैमरा फ्लैश को ऑन कर देना और यहाँ पे स्क्रीन वाला भी देखने को मिलेगा, जो कलर आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑरेंज कर रहा हूं तो प्रीव्यू कर रहा हूं तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मेरी जो स्क्रीन है ना ऑरेंज टाइप में यहाँ पे ब्लिंक करेगी, ठीक है। अगर मैं कोई कलर सेट नहीं करता ना तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो बैक कैमरा फ्लैश है ना वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा बिना कलर की। नेक्स्ट चेंजेस एंड फीचर की बात को तो इस अपडेट होकर के बाद ये एक फीचर आ चुके हैं भाई सब, इसके अंदर मजे ही मजे हैं जी हाँ, जिसके लिए आपको जाना होगा गैलरी के अंदर और गैलरी के अंदर जैसे कि मेरे पास मेरी फोटो है और इस फोटो में प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं ऑटोमेटिक कटआउट तैयार हो जाएगा और यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहते हैं। फोटो को कॉपी कर सकते हो यार, पहले टेक्स्ट को कॉपी कर सकते थे लेकिन अब जमाना आ चुका है फोटो को कॉपी एंड पेस्ट करने का। जी हाँ, आप कहीं पे भी आपको पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हो और बैकग्राउंड रिमूव के साथ ये पेस्ट होता है साथ में, देख सकते हैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो यहाँ पेस्ट हो चुका है। जी हाँ, पहले ये फीचर था लेकिन प्रेस एंड होल्ड करके नहीं था, लेकिन ये अब चीज दे दिया गया है। और नेक्स्ट फीचर की बात को तो किसी भी फोटो के अंदर से आप टेक्स्ट को भी आप कॉपी कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैलरी ऑप्शन में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाके रिकॉग्नाइज टेक्स्ट ऑन इमेज वाला जो ऑप्शन है इसको आपको अनेबल कर देना, तभी आप किसी भी फोटो के अंदर से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। जी हाँ, अब देखते हैं इस फोटो में टेक्स्ट है, प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं फोटो में से टेक्स्ट कॉपी हो रहा है भाई साहब। अब नेक्स्ट फीचर की बात करने से पहले इस डब्बे को रखते हैं साइड के अंदर ताकि फुल व्यू मिले यार, मजे पूरे आपको मिले। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलेगा सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे मिलेगा बैटरी सेक्शन के अंदर और यहाँ पे मिलेगा एडिशनल फीचर का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा स्पीड अप चार्जिंग। इसको आप ऑन कर दोगे तो आपकी जो चार्जिंग है ना काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है, लेकिन फोन थोड़ा सा हीट कर सकता है तो जब भी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े तभी इस ऑप्शन को आप अनेबल करना। और यहाँ पे देखते हैं नाइट टाइम मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको अनेबल कर दोगे तो यहाँ पे कई बार होता है ना अपने फोन को आप चार्ज लगा के भूल जाते हो तो इसको आप ऑन करोगे तो फोन स्लोली स्लोली चार्ज होगा जिससे आपके बैटरी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है यार। अब नेक्स्ट फीचर की बात को तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि जब भी फोन को यूज करते हैं तो कंट्रोल सेंटर को तो हम यूज करते ही हैं तो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल सेंटर पूरा आपको चेंज देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे नीचे आ चुका है और ब्राइटनेस पैनल स्मूथनेस के साथ आ चुका है भाई पूरी यहाँ पे और म्यूजिक पैनल भी आ चुका है। कंट्रोल सेंटर से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो जैसा कि आपने आईफोन में देखा है ना, वो चीज आपको पोको वाले दे रहे हैं लेकिन एक चीज और दे रहे हैं कंट्रोल सेंटर में आईफोन वाले एनिमेशन। जी हाँ, वाईफाई प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, क्या स्मूथ एनिमेशन आ रहे हैं, बटरी स्मूथ वाले। जी ब्लूटूथ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी एक बटरी स्मूथ वाला एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है तो एनिमेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल सेंटर में मुझे टेक्स्ट शो नहीं कर रहा लेकिन सेटिंग में जाके आप टेक्स्ट को शो भी करवा सकते हो। जी हाँ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर और यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा डोंट शो आइकन लेबल, इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ऑफ करोगे तो भी कंट्रोल सेंटर में टॉगल देखने को मिलता है ना उसके यहाँ पे नाम आपको शो करने लगेंगे, टॉर्च म्यूट एरोप्लेन मोड पहले शो नहीं कर रहा था ना, तो इस फीचर का यूज करके आप कर सकते हो। साथ में इस अपडेट को करने के बाद सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर देख सकते हैं प्रीवियस अपडेट का एंड आफ्टर अपडेट का। जी हाँ, काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं और मैंने साथ में फोन को भी यूज करके देखा ना तो फोन भी काफी मक्खन जैसा चल रहा है, पहले प्रीवियस अपडेट से हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, काफी बटरी एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप खुद यूज करोगे तो आई थिंक पता लग जाएगा, लेकिन एक बात बता दूं जब इस अपडेट को आप करते हो ना तो फोन थोड़ा सा लैग एंड जिटर करता है क्योंकि एक नए अपडेट के अंदर आया है, 5 GB का अपडेट है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। जी हाँ, जैसे आप अपडेट कर लोगे 1-2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा और आपका फोन मक्खन जैसा चलेगा। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो काफी लोग ये बोलेंगे कि इस अपडेट को करने के बाद सुपर विजिट वाले फीचर आए हैं कि नहीं आए, तो वो फीचर यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। ये फीचर ओनली फॉर रेडमी के फोनों में देखा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है हाइपर अपडेट के अंदर, लेकिन पोको के फोनों के अंदर ये चीज आपको नहीं देखने को मिल जाती। हाँ, बट हाँ, आइकन वाले फोल्डर को इनलार्ज जरूर से जरूर आप कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड करोगे, एडिट फोल्डर में जाके डबल एक्सल साइज करनी है, इनलार्ज करना है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे डबल एक्सल साइज रखता हूँ, जो कि आईफोन में देखते हो आप उसी टाइप में ये देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करो तो इस अपडेट को करने के बाद आर्ट वाले फीचर भी आ चुके हैं जो कि आपको मिलेगा गैलरी के अंदर
और यहाँ पे मिलेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आर्ट का ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखते काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ से तो मैंने स्केच सेट किया ही था, आने के बाद भी यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे चेंज करके देखने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो, बैक जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आर्ट वाले भी फीचर इस अपडेट को करने के बाद आ चुके हैं। और अपडेट को करने के बाद आपको पता है ये एंड्रॉइड 14 का अपडेट है। एंड्रॉइड 14 के अंदर यहाँ पे 7-8 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 में प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप देखते हैं एक गेम प्ले होने लगेगी, जो कि एंड्रॉइड 13 में नहीं था लेकिन एंड्रॉइड 14 में ये चीज देखने को मिलती है। और साथ में इस अपडेट को करने के बाद डिस्प्ले के अंदर जो रिफ्रेश रेट वाला फीचर देखने को मिलता है ना, वहाँ पे देखते किसी भी ऐप पे 120 हर्ट्ज आप फोर्सफुली आप इनेबल करना चाहते हो ना तो वो भी आप कर सकते हो। ये चेंज मुझे काफी सही लगा क्योंकि काफी सारे जो एप्लीकेशन आते हैं ना 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज पे शूट हो जाती है, लेकिन फोर्सफुली किसी भी ऐप पे आप 120 हर्ट्ज अब वर्क करवा सकते हो। जैसे कि आपको डार्क मोड में ये फीचर देखने को मिलता था, अब यहाँ पे रिफ्रेश रेट के अंदर भी ये फीचर आ चुका है। और नेक्स्ट इस अपडेट को करने के बाद इसकी चार्जिंग टाइम की बात को, तो चार्जिंग टाइम में कोई इंप्रूव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 55 मिनट के अराउंड लगते हैं इस फोन को फुल्ली चार्ज होने में। मैंने करके देख लिया था, मैं कहा था बड़ा अपडेट आया कि आप यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ा और इंप्रूव हुआ, लेकिन हाँ उतना ही देखने को मिलता है। हालांकि एक्सीलेंट है, लेकिन हाँ मैंने चेक करना था तो चेक कर लिया। और इस अपडेट को करने के बाद आइडियल बैटरी ड्रेन की बात करो, तो रात को मैंने अपने फोन को रख दिया था और सुबह जाके चेक किया था, टोटल 3% की बैटरी ड्रेन हुई, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो आइडियल ड्रेन वाला इशू भी नहीं है इस अपडेट को करने के बाद। कई कई अपडेट के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है कई कई फोनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर ऐसा मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। और इस अपडेट को करने के बाद कुछ कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं इसी फोन से लिख किए, यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई कैमरा सैंपल को, ज्यादा सैंपल नहीं दिखाऊंगा बट हाँ ये चीज थी तो मैंने आपको बता दी। तो यही कुछ आपको देखना था Xiaomi HyperOS के न्यू अपडेट के अंदर, जो भी मैंने चीज टेस्ट की वो सब कुछ आपको मैंने बता दी। मेरा रिव्यू कैसा लगा बता देना कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको इस अपडेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ट्विटर फॉलो कर लो और वहां पे मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता लगे इस अपडेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है ताकि हम आगे फीडबैक दे पाए। तो ट्विटर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आज के लिए पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।